हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चिल मेडिकोस। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन, लेकिन ये अपना मेन टॉपिक नहीं, अपना मेन टॉपिक है आज का डिफ्यूजन। अपने को डिफ्यूजन पढ़ना है, बट इसके लिए आपको ना अपने पहले कंसेप्ट बनाने पड़ेंगे। कंसेप्ट बनाने के लिए पहले क्या, आपको पूरा ट्रांसपोर्ट थोड़ा समझना पड़ेगा, ओवरव्यू क्या होता है ट्रांसपोर्ट, कितने टाइप्स का होता है, फिर उसके बाद में डिफ्यूजन को कंटिन्यू करूंगा। तो पहले अपन देखते हैं ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट्स क्या होते हैं। तो देखो यार, कि जो सेल होता है तो सेल के लिए अंदर ऑक्सीजन चाहिए, CO2 बाहर निकालनी है, और बहुत सारे सब्सटेंस और मॉलिक्यूल्स की नीड होती है सेल को। तो सेल के अंदर बाहर जब जाएंगे ना, अंदर जाना, बाहर अंदर से जो वेस्ट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालना, ये सारे जितने भी प्रोसेस होती है वो सारे ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। वो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है मॉलिक्यूल्स का, वेस्ट प्रोडक्ट का, इसी को अपन बोलेंगे ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है मॉलिक्यूल्स का, उसी को अपन बोलेंगे ट्रांसपोर्ट थ्रू दी सेल मेम्ब्रेन। तो इस वाले पैराग्राफ में देखते हैं क्या लिखा है। द सेल डिपेंड अपॉन द सब्सटेंस लाइक न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड वाटर थ्रू मस्ट बी ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल एंड एट द टाइम सेम टाइम द मेटाबॉलिक वेस्ट मस्ट बी ट्रांसपोर्ट आउट ऑफ द सेल। जो मैंने आपको पहले बताया कि न्यूट्रिएंट्स हुए, ऑक्सीजन हुई, वाटर हुआ, इन सब की जरूरत पड़ती है सेल को, तो इसलिए सेल अंदर लेगा और जो इसी टाइम पे जो वेस्ट प्रोडक्ट होंगे उसको एक्सक्रीट कर देगा। अब देखते हैं जो ट्रांसपोर्ट होता है अपना थ्रू सेल मेम्ब्रेन, वो अपना होता है मेनली टू टाइप का होता है, बट थर्ड भी होता है जिसको अपन वेसिक्यूलर ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। जो फर्स्ट रहेगा वो अपना रहेगा पैसिव ट्रांसपोर्ट, और दूसरा रहेगा वो अपना रहेगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो जो वेसिक्यूलर ट्रांसपोर्ट मैं अभी आपको बता देता हूँ। वेसिक्यूलर ट्रांसपोर्ट मोस्टली क्या होता है, जो अपना सेल होता है, तो सेल होता है तो क्या होता है कि जो सेल के अंदर रहती है अपनी ऑर्गनली मेम्ब्रेन बाउंडेड, ऐसे अपना ये सेल है। सेल के अंदर रहता है अपनी न्यूक्लियस होती है, ऐसे अपना माइटोकॉन्ड्रिया, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। तो क्या होगा कि इसको मैं जूम कर देता हूँ। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपने को क्या चाहिए, प्रोटीन्स और लिपिड्स ले जाने। तो अपनी जो गोल्जी बॉडी रहती है ना, गोल्जी अपैरेटस, वहां पे वेसिकल्स के अंदर लिपिड्स एंड प्रोटीन्स को फिल कर देता है और वेसिकल फॉर्म करता है, तो वो अंदर जाएंगे। तो अंदर जाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट होता है उसी को बोलते हैं अपन वेसिक्यूलर ट्रांसपोर्ट। तो ये मैंने आपको बता दिया है, नॉर्मल आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए इतना ही काफी है। अब चलते हैं अपन काय के ऊपर, पैसिव ट्रांसपोर्ट के ऊपर। तो यार पैसिव ट्रांसपोर्ट अपन देखते हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या बोलता है, द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस अलोंग ग्रेडियंट, मतलब कि जो अपना ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो सब्सटेंस के जो ग्रेडियंट है ना, अपना जो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट सब्सटेंस, उस ग्रेडियंट की अलोंग जा रहा है। मतलब यार मैं बोलूं तो ऐसा कि एक यहाँ पे अपने सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल है, ऐसे यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल है और यहाँ पे अपने 2 मॉलिक्यूल है, ये अपनी मेम्ब्रेन हो गई। तो क्या होगा यार कि यहाँ पे 10 है, तो 10 है यहाँ पे, तो क्या हो गया कि यहाँ पे इनका कंसेंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे कंसेंट्रेशन कम है, तो ये कंसेंट्रेशन के अलोंग जाएंगे। मतलब ज्यादा है तो इसको जहां पे कम होगा लो कंसेंट्रेशन, वहां पे जाएंगे और उसको इक्वल करने का सोचेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो यार कि यहाँ पे ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, तो अब ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं तो क्या करेंगे यार, ये आपस में कोलाइड करेंगे। आपस में अगर कोलाइड आपस में ज्यादा करेंगे, तुमने पढ़ा होगा 10th 11th में जो अपनी कोलाइडल थ्योरी ऑफ पार्टिकल्स होती है, तो क्या होते हैं जो पार्टिकल्स होते हैं ना अंदर, वो आपस में कोलाइड करते हैं और वहां पे क्या होता है, प्रेशर रहता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट था जो मैंने तुम्हें बता दिया है। तो इसमें यही दे रखा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस अलोंग ग्रेडियंट, ग्रेडियंट के अलोंग होगा विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, इसमें कोई भी ATP का यूज नहीं होगा, कोई भी एनर्जी नहीं लगेगी इस ट्रांसपोर्ट के अंदर। ठीक, आगे चलते हैं। आगे क्या बोला गया है कि डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं अपने, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट मैंने आपको बताया है यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट, और तीसरा होता है प्रेशर ग्रेडियंट। मैंने तुम्हें बताया कि जो अपना कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर ग्रेडियंट की। क्यों यार, क्योंकि देखो मैंने तुम्हें बताया यहाँ पे कंसेप्ट कि यहाँ पे अगर पार्टिकल्स ज्यादा हैं तो कोलाइडर प्रेशर अंदर बढ़ेगा, क्योंकि वो कोलाइड करेंगे, प्रेशर भी बढ़ रहा है तो प्रेशर ग्रेडियंट बढ़ेगा। मतलब कि अगर अपना कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा है तो प्रेशर ग्रेडियंट भी ज्यादा होगा। ठीक है, ये सारी चीज हो गई। अब अपन चलते हैं इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, थर्ड पॉइंट बोलता है इसका डाउनहिल मूवमेंट बोलते हैं अपन इसको, पैसिव ट्रांसपोर्ट को। क्यों, क्योंकि यार मान के चलो कि एक माउंटेन है, हिल है, ये मैंने यहाँ बना दिए। ठीक है, अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ऊपर से अगर नीचे आ रहे हैं तो आपको नीचे आने में कोई भी एनर्जी नहीं लगेगी। क्यों, क्योंकि आप टुवर्ड्स द ग्रेविटी आ रहे हैं,
तो इसका मतलब यही है कि यार ऊपर अभी अपन ऊपर टॉप से अपन जब नीचे आते हैं ना हिल के, तो कोई एनर्जी नहीं लग रही है। जब एनर्जी नहीं लग रही, इसी बेसिस पे इसका नाम रख दिया है डाउन हिल मूवमेंट। अपन हिल के नीचे आ रहे हैं, ठीक है, कोई एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है, मतलब एनर्जी नहीं हो रही है, ठीक है। और इसी को बोलते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस अगर अलोंग द ग्रेडियंट, जो मैंने ऊपर बताया आपको कि सब्सटेंस अलोंग द ग्रेडियंट होता है विदाउट एनर्जी एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब चलते हैं पर और नीचे, तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, एट द सेल मेम्ब्रेन के लेवल पर बात करी जाए तो पैसिव ट्रांसपोर्ट टू टाइप के होते हैं। टू टाइप के कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है डिफ्यूजन, जो अपना आज का मेन टॉपिक है, और दूसरी होती है अपनी ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस अपन नहीं पढ़ेंगे, पर मैं नॉर्मली बता देता हूँ। ऑस्मोसिस में क्या होता है यार, कि आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा कि कंसेप्ट ये होता है कि अगर एक भी कोई सॉल्यूशन है तो वो काय काय से मिलकर बनेगा। एक तो उसमें रहता है अपना सॉल्यूट, और दूसरा होता है अपना सॉल्वेंट। तो क्या होता है डिफ्यूजन में ना अपना क्या मूव करता है, सॉल्वेंट मूव करता है, ना कि सॉल्यूट पार्टिकल। लेकिन जो अपना डिफ्यूजन रहता है इसमें मोस्टली अपनी सॉल्यूट पार्टिकल डिफ्यूज करते हैं। ऐसे मान चलो यार कि ये बन गया मेरा, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बना दिए चार मॉलिक्यूल है मेरे, और इस साइड है मेरे दो मॉलिक्यूल, इसके अंदर वाटर भरा है दोनों के, ठीक है। अब वाटर मूवमेंट किस साइड होगा, अब अपने को पता है कि यार अपने को इक्वल करना है, तो यहाँ पे जो कंसेंट्रेशन ज्यादा है ना, तो इसको इक्वलाइज करने के लिए वाटर अपना टू से फोर की साइड आएगा, मूवमेंट ऑफ वाटर। तो इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। ये हो गया, अब हम बात करेंगे डायरेक्टली डिफ्यूजन के ऊपर, जो अपना आज का मेन टॉपिक है यार, नॉर्मल इंट्रोडक्शन मैंने तुम्हें दे दिया है। अब डिफ्यूजन देखते हैं, बहुत इजी टॉपिक है। पहले इसमें क्या बोला गया, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू द लोअर कंसेंट्रेशन, मतलब कि अपन अगर हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की ओर जाते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो उसी को अपन बोलते हैं डिफ्यूजन। यार डिफ्यूजन अपना पैसिव टाइप का ट्रांसपोर्ट होता है, ये मैंने आपको पहले बता दिया है नॉर्मली, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि डिफ्यूजन और पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है अपना डिफ्यूजन। अब इसके अपन टाइप देख लेते हैं, इसके टाइप्स हैं यार, तो ये दो टाइप का होता है, टू टाइप्स। पहला होता है सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जो सिंपल डिफ्यूजन होता है ना यार, वो डायरेक्ट अपने बाइलेयर मेम्ब्रेन से पास हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स। और जो सेकंड यार फैसिलिटेटेड, तो ये फैसिलिटेटेड होता है ना, इसके लिए यार स्पेसिफिक क्या होती है, प्रोटीन चैनल्स होते हैं, इसे अपन एक्वापोरिन्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इससे वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। तो चलो यार अब अपन आते हैं किसके ऊपर, सिंपल डिफ्यूजन के ऊपर। अपन ने डिफ्यूजन देख लिया, अब बात करते हैं अपन सिंपल डिफ्यूजन की। तो सिंपल डिफ्यूजन के कुछ पॉइंट्स हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स अकर्स फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर ड्यू टू द देयर रैंडम मूवमेंट। मतलब कि यार क्या होता है कि यहाँ पे देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर ये मॉलिक्यूल्स हैं यार, तो ये क्या करती हैं यार, तुमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो जिगजैग मूवमेंट शो करते हैं, जिगजैग टाइप का मूवमेंट करते रहते हैं। अगर एक कंटेनर में अपन ने भरा हो इसको, तो ये मूवमेंट करते हैं यार। इस मूवमेंट के थ्रू क्या होता है, ऐसे मान चलो ये सेल मेम्ब्रेन है, कंटेनर में अपनी कंटेनर की बाउंड्री होती है। अब जो जिगजैग मूवमेंट करते हैं, तो यहाँ पे जाकर स्ट्राइक करते हैं, अगर यहाँ पे स्ट्राइक करते हैं तो इसके थ्रू ये इस मेम्ब्रेन की इस साइड निकल आते हैं, ठीक है, ये बात समझ में आई। और वहां पर कंटेनर में अपनी जो बॉल होती है वो बहुत सॉलिड होती है, तो उससे बाहर नहीं जा पाएंगे पार्टिकल। लेकिन अगर सेल मेम्ब्रेन की बात करें, जो बाहर जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है जिगजैग, उसके थ्रू ना ये हिट होते हैं अपनी सेल मेम्ब्रेन पे, और उसके थ्रू ये उस साइड पास हो जाते हैं। ड्यू टू द कॉन्स्टेंट रैंडम मूवमेंट्स मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद ईच अदर एंड ऑल्सो स्ट्राइक विद द सेल मेम्ब्रेन, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया ड्रॉ करके। अब यहाँ पे बात करते हैं अपन डिफ्यूजन इक्विलिब्रियम। अब देखो यार कि डिफ्यूजन कंटिन्यू मान चलो हो रहा है, एज मैंने तुम इस वाले में बताया, यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल थे और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल थे। अपन को इसको अगर इक्विलिब्रियम में लाना है, तो क्या होना चाहिए कि यहाँ से मैं 4 मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करवा दिया, तो इस साइड 6 मॉलिक्यूल हो गए, इस साइड 6 मॉलिक्यूल हो गए। जब दोनों साइड मॉलिक्यूल अगर बराबर हो गए, तो इसकी वजह से क्या होगा कि दोनों साइड 6-6 हो गए, तो दोनों साइड से जो कोलाइड होने की वजह से जो प्रेशर लगेगा मेम्ब्रेन के ऊपर वो इक्वल हो जाएगा, तो इक्वली पार्टिकल रहेंगे, कोई मूवमेंट नहीं होगा यहाँ पे पार्टिकल्स का, इसलिए इसको अपन बोलेंगे डिफ्यूजन इक्विलिब्रियम, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल नेट मूवमेंट्स ऑफ द मॉलिक्यूल सीजेस, मतलब कि यहाँ पे कोई भी नेट मूवमेंट मॉलिक्यूल्स का नहीं होगा, इसलिए इसे डिफ्यूजन इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखो, एक साइंटिस्ट हुए फ्रिक्स ने एक लॉ दिया, जो कि डिफ्यूजन के लिए लॉ दिया ने, इसको बोलते हैं अपन फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या बोलता है, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होती है ना, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होती है वो अपनी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, काहे कि डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन द टू रीजन्स, या फिर टू रीजन्स मान लो आप यहाँ पे, ठीक है, या फिर आप मान लो क्रॉस सेक्शन एरिया,
मतलब कुछ एरिया होगा क्रॉस सेक्शन एरिया, ऐसे मान चलो ये स्क्वायर है, ये मैंने यहाँ पे स्क्वायर बना दिया, इसका जो एरिया दिखा रहा है जिसके थ्रू अपन डिफाइन कर देंगे इसको अपन क्रॉस सेक्शन एरिया बोलेंगे, ठीक है। तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि यार जितना ज्यादा एरिया होगा उतने ज्यादा मॉलिक्यूल तो आगे निकल पाएंगे ना, उनको ज्यादा एरिया मिलेगा उस साइड जाने के लिए, क्रॉस करने के लिए, तो इसलिए हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, ऐसे मान चलो कि यार दो मॉलिक्यूल है, ऐसे यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये अपना क्रॉस सेक्शन एरिया है, एक मॉलिक्यूल ए है और एक मॉलिक्यूल अपना यहाँ पे, इसको यहाँ तक जाने में जो टाइम लग रहा है वो लेस लगेगा, कम टाइम लग रहा है, लेकिन जो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए लग रहा है जो सेकंड वाले को, वो टाइम ज्यादा लगेगा। तो जो यार जल्दी जा पाएगा उसका डिफ्यूजन फास्ट होगा, जो लेट जा पाएगा उसका डिफ्यूजन लेट होगा, तो इसलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा रेट ऑफ डिफ्यूजन, काहे कि डिस्टेंस ट्रेवल टू बी पार्टिकल, मतलब पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो यही है इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला इतना नेसेसरी नहीं, बस ये फैक्टर्स याद कर लेना है कि किसके ऊपर डायरेक्ट प्रोपोर्शन रहता है, किसके ऊपर इन्वर्सली प्रोपोर्शन रहेगा। बाकी और आगे बढ़ते हैं यार अपन, तो आगे अपन देखते हैं यार, तो आगे अपन को क्या देखना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़ने हैं, तो फैक्टर अफेक्टिंग्स देखते हैं यार, तो कि किस किस चीज पे अपना ये डिपेंड कर रहा है डिफ्यूजन। तो यहाँ पे पहला पॉइंट लिख रखा है लिपिड सॉल्युबिलिटी, अगर कोई भी मॉलिक्यूल है यार अपना, अगर वो लिपिड सॉल्युबल है तो वो अपना इजिली बाइलियर मेम्ब्रेन को पास कर जाएगा, क्यों, क्योंकि बाइलियर मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड की बनी होती है, फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है, इसलिए इसको पास कर देगा, इसलिए जो अपनी डिफ्यूजन होता है, सिंपल डिफ्यूजन होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है लिपिड सॉल्युबिलिटी के। वाटर सॉल्युबिलिटी का रहेगा इनवर्सली, क्योंकि जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं वो बाइलियर से तो जाएंगे नहीं, वो जाएंगे अपनी प्रोटीन चैनल्स के थ्रू, जिनको बोलते हैं अपन एक्वापोरिन्स। अगर जितने ज्यादा वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस होगा, मॉलिक्यूल्स होंगे, तो वो तो अपने यहाँ चले जाएंगे काय से, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से, सिंपल से तो जाएंगे नहीं, तो इसलिए यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस, अब मान के चलो जो चार्ज होते हैं मॉलिक्यूल्स के ऊपर, उनके ऊपर भी डिपेंड करता है कि क्या चार्ज है मॉलिक्यूल के ऊपर। फिर साइज ऑफ मॉलिक्यूल, तो पता है कि यार जो बड़ी साइज होगी उसको जाने में ज्यादा टाइम लगेगा, जो छोटे मॉलिक्यूल होगा उसकी स्पीड भी फास्ट होती है, मूवमेंट फास्ट, वेलोसिटी फास्ट, वो जल्दी चले जाते हैं, स्मॉल साइज होने की वजह से वो पेनिट्रेट भी जल्दी कर देते हैं, इसलिए जो सिंपल डिफ्यूजन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा सॉरी मॉलिक्यूल के साइज के ऊपर। अब देखो सिलेक्टिव परमेबिलिटी ऑफ सेमी परमेबल सेल मेम्ब्रेन, सिलेक्टिवली परमेबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करेगा, क्यों, क्योंकि यार जो अपना सिंपल डिफ्यूजन होता है उसमें अपन मोस्टली अपने लिपिड्स वगैरह इनका ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, तो उसे अपनी बाइलियर मेम्ब्रेन के थ्रू जाते हैं। अब बात करते हैं अपन डिफ्यूजन थ्रू प्रोटीन चैनल्स। अब देखो यार जो डिफ्यूजन होता है ना वो प्रोटीन चैनल के थ्रू भी होते हैं, जो प्रोटीन चैनल्स के थ्रू होते हैं, ऐसे मान चलो अपना जो फैसिलिटेट डिफ्यूजन था वो भी तो प्रोटीन चैनल्स के थ्रू होता है, जिसको अपन एक्वापोरिन्स बोलते हैं, आया बात समझ में। अब यहाँ पे देखते हैं अपन प्रोटीन चैनल्स, तो प्रोटीन चैनल्स क्या होते हैं, मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन की वीडियो में बता रखे हैं यार, अच्छे से ड्रॉ करके भी बता रखे हैं। ऐसे मान के चलो कि अपनी मेम्ब्रेन है, इसके अंदर कुछ ऐसे चैनल्स होते हैं प्रोटीन्स के बने, इनको बोलते हैं अपन प्रोटीन चैनल्स। अब इनका शेप देखते हैं यार, दोनों ये ट्यूब टाइप के होते हैं, ऐसे कुछ ट्यूब का मतलब होता है अपना, ये हुआ अपनी ट्यूब टाइप की, ठीक है। अब बात करते हैं इसके क्या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड और इंटर सेलुलर फ्लूड रहता है ना, यहाँ पर रहेगा अपना एक्स्ट्रा सेलुलर, यहाँ पर रहेगा इंटर सेलुलर, अगर सेल का अंदर इनर साइड है और ये आउटर साइड है, तो इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन सा बनवा रहा है, ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, ये सिलेक्टिवली परमेबिलिटी रहती है इसकी, ठीक है। सिलेक्टिव परमेबिलिटी मतलब कि ये जो परमेबिलिटी रहेगी, ऐसे मान के चलो कि यार जो अपने वाटर मॉलिक्यूल्स इसके थ्रू जाएंगे चैनल्स के थ्रू, ठीक है, मतलब सिलेक्टिव जो सब्सटेंस रहेंगी सिर्फ उनको ही पास करवाती, मतलब सिलेक्टिव रहेगा। और दूसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या रहती है, गेट मैकेनिज्म, मतलब कि गेट मैकेनिज्म में आपको आगे बताने वाला हूँ, पहले अपन सिलेक्टिव परमेबिलिटी को देखते हैं। सिलेक्टिव परमेबिलिटी में मतलब क्या है कि परमिट्स ओनली वन टाइप ऑफ आयंस टू पास, मतलब एक टाइप के आयंस को पास करने का बोला है, जैसे कि अपने क्या हो गए सोडियम आयंस एंड पोटेशियम आयंस, ठीक है, इनको पास करेगा सिलेक्टिवली परमेबल, ठीक है। अब सेकंड क्या बोला है, गेट मैकेनिज्म, तो जो गेट मैकेनिज्म आता है यार गेटिंग वाला, तो क्या होता है जो प्रोटीन चैनल्स होते हैं ना वो ना नॉर्मली ना क्लोज होते हैं, बट कुछ कुछ होते हैं जो मतलब ऑल टाइम ओपन रहते हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, जो ओपन रहते हैं यार तो उनको अपन बोलते हैं ओपन गेटिंग, ठीक है। और जो क्लोज रहते हैं यार, तो क्लोज के अलग अलग टाइप होते हैं, कैसा होता है कि कुछ नॉर्मली तो क्लोज होते हैं बट जब उनकी रिक्वायरमेंट होती है तब वो अपने आप ओपन हो जाते हैं एंड अपने मूवमेंट्स करवाने लगते हैं। तो अब देखो गेटिंग मैकेनिज्म देखते हैं, सम प्रोटीन चैनल्स आर कंटिन्यूअसली ओपन, बताया मैंने आपको कंटिन्यू ओपन रहते हैं, ठीक है, 24 आवर। फिर क्या होता है, मोस्ट अदर आर गेटेड,
मतलब कि कुछ होते हैं यार वो गेटेड होते हैं, मतलब कि एक गेट होता है ना, ऐसे अपने घर है, हाउस है, तो उसमें क्या होगा यार, गेट होता है, गेट हमेशा अपन मोस्टली तो अपन बंद करके रखे हैं, तो क्या हो गया वो गेटेड हो गया। अगर गेट अपन ने खोल दिया, गेट खोल दिया मतलब क्या है कि गेट ना भी हो तो भी खुला है, गेट है तो भी खुला है, ठीक है। तो अगर गेट खुला है, गेट खुला है, पैसेज ओपन है, तो गेट होने का भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अगर गेट है तो वो क्लोजली रहेंगे, ठीक है। अब इनके टाइप दे रखे हैं, पहला होता है वोल्टेज गेटेड चैनल्स, ठीक है। वोल्टेज गेटेड मतलब कैसे यार, वोल्टेज वोल्टेज कैसे याद रखें, कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है, ठीक है। तो इसके क्या रहता है अपना, जो जैसे मान के चलो कि अपना सोडियम पोटेशियम पंप चलता है, तो क्या होता है वहां पे ऐसे जो सोडियम आयंस रहते हैं बाहर, ठीक है। या फिर अपन ये मान लो कि जो अपना जो नर्व कंडक्शन होता है यार, तो वहां पे जो कैल्शियम गेटेड होते हैं ना, जो अपने पोस्ट सिनेप्टिक प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में जाते हैं, ठीक है। ऐसे मान बात चलाऊं कि ये अपना नोव है मेम्ब्रेन का, उसका नर्व एंडिंग का, और ये अपना मैंने बना दिया यहाँ पे मसल का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है यार कि यहाँ पे चैनल्स होते हैं कैल्शियम गेटेड, क्या होता है जैसे यहाँ पे इम्पल्स आती है तो ये एक्टिवेट होती है, और अपना जो क्लोरीन रहता है वो अंदर जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के थ्रू ये गेट्स ओपन हो जाते हैं, इन्हीं को बोलते हैं वोल्टेज गेटेड। दूसरे होते हैं लाइगेंड गेटेड। लाइगेंड गेटेड का मतलब क्या होता है यार कि कुछ भी केमिकल वगैरह आ रहा है, जैसे मानो चल अपना हॉर्मोन्स, ठीक है। हॉर्मोन्स कैसे कि यार मैं तुम्हें एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे अपने पिट्यूटरी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो उनका क्या होता है कि वो ऐसे ही सेल के ऊपर आएंगे जिसके ऊपर सेल के ऊपर रहता है उनका रिसेप्टर्स, तो इनके आने की वजह से क्या होगा यार, इनकी आने की वजह से केमिकल चेंज होगा मेम्ब्रेन में, और ये अपने सिग्नल्स देंगे जो अपने सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रहते हैं भाई, तो उसमें क्या होता है कि उसमें सेकेंडरी मसल के थ्रू वर्क करवाते हैं अपने हार्मोन्स, और कुछ कुछ डायरेक्ट पेनिट्रेट करके अपने मेम्ब्रेन के अंदर पहुंच जाते हैं, और वहां प्रोटीन हार्मोन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनवाते हैं, हार्मोन रिसेप्टर्स कॉम्प्लेक्स बनवाते हैं, ठीक है। इतना आगे समझ, जो थर्ड है अपना मैकेनिकल गेट। तो मैकेनिकल गेट होता है यार, मैकेनिकल से आपको समझ में आ रहा है कोई मैकेनिकल काम हो रहा है, ठीक है, मैकेनिकली कुछ चीज हो रही है। जैसे कि मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, जो अपना कॉकलिया होता है, कॉकलिया में क्या होता है जिसमें स्टीरोसीलिया होते हैं ना, उनमें मूवमेंट होता है मैकेनिकली, उसके थ्रू जो वहां पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और गेट ओपन होते हैं, तो वो अपने एग्जाम्पल हो जाएगा काय का, मैकेनिकल गेटेड चैनल्स का। तो इतना मैंने तुम लोगों को बता दिया है यार, सारे इसके गेट्स बता दिए, गेटेड चैनल बता दिया है, इसकी सेमी परमेबिलिटी सिलेक्टिवली परमेबिलिटी बता दी है मैंने, फैक्टर्स बता दिए। तो यार इस वीडियो में अपन इतना ही पढ़ने जा रहे हैं, अपन इसमें और ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। जिसका जो फैसिलिटेटर डिसीजन है यार, मैं उसके लिए आपके लिए दूसरी वीडियो लेके आऊँ, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। तो यार बढ़िया पढ़ाई करो, चिल करो, मौज करो, और इसके नोट्स वगैरह मैं आपको अब लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप वहां से जाके इसका पीडीएफ ले लेना, पूरे जनरल बायोकेमिस्ट्री का मैं पूरा एक साथ ही पीडीएफ अपलोड करने वाला हूँ, तो वहां से पूरे आपको नोट्स मिल जाएंगे। और बाकी यार सब्सक्राइब करो, लाइक करो यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और उसको एडिटिंग वगैरह सब चीज करने में। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।